बाबालो क्या हाल है भाई साहब। कल की 2898 ये मूवी इंटरनेशनल लेवल की होने वाली है, सिर्फ इंडिया के लेवल की नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें काम चल रहा है अभी तक, नागार्जुन जो प्रॉमिसेस दे रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था चलो ठीक है मूवी आएगी डिस्टोपियन एरा की और ठीक है इंटरनेशनली डंका नहीं बजेगा लेकिन अपने इंडिया में अच्छा खासा ये कमाई कर सकती है। लेकिन भाई साहब जिस लेवल की इसकी औकात जा रही है मूवी की, जो जो चीजें अभी तक इन्होंने रिवील आउट करी है, एक एक चीज टिप टू टॉप है, एक एक चीज जबरदस्त बैठते नजर आ रही है। क्योंकि डिस्टोपियन एरा की मूवी होती है फुल एआई से रिलेटेड, हाई एडवांस साइफाई सब कुछ ए नंबर होता है वहां पर, जहां पर हमें ड्यून मूवी अभी देख कर आ चुके थे भाई, ड्यून मूवी से कम आग नहीं मूंद रही है कल की 2898। क्योंकि अगर VFX की बात करें, DNEG कंपनी, ये मास्टर ब्लास्टर कंपनी भी इस मूवी के VFX को डिजाइन कर रही है, जिसने ड्यून मूवी के VFX को डिजाइन करा था भाई। बुज्जी का न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है और एक नई रील आई है, नई वीडियो आई है अपने मेकर्स की तरफ से, जो बहुत प्रॉमिसिंग है। और जो जिस काम के लिए इस वीडियो को भेजा गया था भाई, उससे 10,000 टाइम ज़्यादा काम करके गई है, क्योंकि बुज्जी का जो करेक्ट इंट्रोडक्शन है भाई जबरदस्त देखने को मिला है। एक ऐसा AI रोबो होने वाला है जो बहुत हद तक प्रभास की मदद करने वाला है, डेटा एनालाइज करेगा, जो भी सिचुएशंस होंगे, डेंजर लेवल कितना है, डेंजर लेवल कितना नहीं है, ये जो जगह है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अपना जो प्रभास है उसे भाई साहब बहुत कुछ उस जगह के बारे में नहीं हो मालूम होगा, लेकिन इस रोबो को यानी इस बुज्जी को ऐसे डिजाइन कराया गया है जो टाइम टाइम पर अपने प्रभास भाई को यानी अपने भैरवा को बताने वाला है सारी चीजें कि भाई साहब इस लेवल पर क्या होने वाले। वो चीज हमने शॉर्ट्स में भी देखी ली कि बुज्जी जो है सेफ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवा जो अपना प्रभास है वो कहता है कि टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, भाई साहब थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी, और ये चीज दमदार भी देखने को मिली है। तो ये जो जो कॉम्बो देखने को मिल रहा है भाई साहब, थोड़ा सा स्टार वॉर्स की भी याद दिला के गया है, जहां पर R2-D2 रोबो का इस्तेमाल कराया गया था ऐसे आगे जाने के लिए, डेटा एनालाइज वगैरह वगैरह करने के लिए। देन उसके बाद C-3PO इसके स्टार वॉर्स के आगे सिक्वल में भी इस रोबो का इस्तेमाल कराया गया था। देन वही चीज़ अगर आयरन मैन के बारे में चले जाए तो जार्विस का इस्तेमाल कराया गया था आयरन मैन के द्वारा, जो बहुत हद तक आयरन मैन को बूस्टर दिया करता था, उनको सपोर्ट दिया करता था, वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। लेकिन बात यह आती है कि भाई साहब मूवी है कल की 2898 के बारे में, जहाँ पर बताया जा रहा था कि अगर अपने माइथोलॉजी की बात करें, अगर अपने जो हिस्ट्री विष्णु पुराण वगैरह की बात करें, जहाँ पर यह बताया गया है कि 10वां अवतार जो कल्कि का आने वाला है, कलयुग का नाश, मतलब कली का नाश करने के लिए और उस कलयुग का नाश करने के लिए, तो यहाँ पर भैरवा का कैरेक्टर यानी प्रभास का कैरेक्टर भाई कल्कि के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकतर बूस्टर यही मिल रहा है कि भाई साहब भैरवा जो है, मतलब प्रभास जो है भैरवा का कैरेक्टर ही रोल प्ले करने वाले हैं, तो कल्कि का कैरेक्टर कौन रोल प्ले कर सकता है भाई। फर्स्ट पार्ट में तो फिलहाल यही देखने को मिल रहा है, बाकी अभी तक जितनी भी चीज़ें आई हैं उससे यही एनालाइज हुआ है भाई। इसके बारे में आपको और भी कुछ पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है। एंड बुज्जी का ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा, ये AI रोबो आपको कैसा लगा, ये किस हद तक इसका साथ देने वाला है, बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, क्या होने वाला है, नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। बाकी अभी वेट करते हैं ऑफिशियल टीजर के लिए, ट्रेलर के लिए, क्योंकि 27 जून को मूवी आने वाली है, बहुत कम समय है, बस एक महीना ही बचा है और देखते देखते ये भी निकल जाएगा। ग्रैंड प्रमोशन चल रहे हैं, बिग प्रमोशन चल रहे हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ही दिनों में हमें ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है, इसके लिए तैयार रहना। जय हिंद।